हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में 5 KVA का ऑटो कट स्टेबलाइजर है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसको पावर में लगाता हूँ, देखिए इसमें 300 वोल्ट आ रहे हैं इस समय पर, लेकिन इसका कट का इंडिकेटर नहीं चल रहा है। इसमें मेन का इंडिकेटर चल रहा है, रूटरी 6 नंबर पर है इसकी, और इस स्टेबलाइजर में यही प्रॉब्लम है। ये इसीलिए रिपेयर के लिए आया है क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है, हाई वोल्ट निकाल रहा है। कितनी भी लाइट आ जाए, अगर 400 वोल्ट भी आएंगे तो ये निकाल रहा है, इसमें कट नहीं हो रहा है, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेबलाइजर है तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखकर आप अपने स्टेबलाइजर का ऑटो कट ठीक कर सकते हैं। मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूं और इसको घुमा भी लेता हूं। देखिए दोस्तों, ऑटो कट जब भी स्टेबलाइजर ख़राब होता है तो उसमें सबसे पहले हमें इसका जो 909 है वो चेक करना होता है। तो 909 ये लगा हुआ है और ये वाला जो है बजर के लिए है, ये इसका ऑटो कट के लिए है। तो पहले 909 को चेक करते हैं, ये देखते हैं कि ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ख़राब होगा तो जो हमारा सर्किट है ये वाला, इसमें पावर नहीं आएगी। जब इसमें पावर नहीं आएगी तो ये जो है सप्लाई रिले को नहीं देगा, जिससे रिले कट हो जाए। ठीक है, तो पहला काम जो है वो 909 को चेक करना है। और 909 से अगर वोल्ट निकलते हैं, ठीक है, 18 वोल्ट यहाँ पर निकलते हैं, और इसके बाद ये 18 वोल्ट यहाँ पर सर्किट पर आएंगे, और जब सर्किट पर आएंगे तो सर्किट यहाँ से सप्लाई कट करके भेजता है। तो रिले इस तरीके से ट्रिप होता है, जैसे ही यहाँ पर वोल्ट रिले पर जाते हैं, रिले ट्रिप हो जाता है, यानी कि कट हो जाता है। अब ज़्यादातर जो खराबी आती है वो इस सर्किट में आती है, और इस सर्किट में खराबी इसलिए आती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। अगर हम इस सर्किट की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रीसेट ख़राब था, यानी कि ये सर्किट भी सही है, ये स्टेबलाइजर भी सही है, सिर्फ सर्किट प्रीसेट की बात थी। और उसको जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वो गल गया है, यानी कि एक तरीके से कार बनाकर गल गया था, वो ख़राब हो गया। तो उसकी जगह पर मैंने नया लगाया है और पुराना वाला जो था उसको निकाल दिया, और उसके बाद जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो ये सही तरीके से काम करने लगा, सर्किट भी सही था। मैं प्रीसेट आपको दिखाता हूँ कि प्रीसेट कैसा होता है देखने में। देखिए ये प्रीसेट था और ये मैंने नया लगा दिया है खड़ा करके, ठीक है। पहले इसमें पट में था, अब मैंने इसको खड़े में लगा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबलाइजर कट कर रहा है, नया सर्किट मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप भी इसी तरीके से अपने सर्किट के प्रीसेट को चेंज करके पेचकस से जो स्क्रू ड्राइवर है उससे घुमा घुमा कर देखें, अगर रिले कट कट नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रीसेट ख़राब है, आप उसको चेंज कर दें। और ये 1-2 रुपये में ही आप अपने स्टेबलाइजर को ठीक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें अगर आप इसी तरह की आगे वीडियो देखना चाहते हैं। और दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।